Now we discuss about the naming reactions. First naming reaction is esterification reaction. Okay, first one is esterification reaction. पहले मुझे दिला reaction वर्तन कोई भी कुछ esterification reaction है. Another one is saponification reaction. Esterification reaction, saponification reaction are the reversible process. Esterification कौन है? When an aldehyde, sorry, when an carbo, when a carboxylic acid on reacts with an alcohol in presence of concentrated H2SO4, then it produces an ester. This reaction is known as esterification reaction. That means the formation of ester is known as esterification reaction. Okay, so देखो बिना मुझे जो एक कार्बोक्जिलिक एसिड ले ची, उड़ा अल्कोहल ले ची, कार्बोक्जिलिक एसिड रूज़ जीवो पिले OH बहुत से पिले मानना का एक क्वेश्चन में भी आसू ची esterification reaction ले OH ग्रुप टा कोड हुआ से कार्बोक्जिलिक एसिड रूआ से OH अल्कोहल रूज़ जाए H कंबाइन है कि कौन फॉर्मेशन है वो ना H2O कौन फॉर्मेशन है वो H2O अब वही ला कौन हो RCO यार वही ला RO तेरे वर्तन लिखी दियो कौन लिखी बा RCO पहले इधर को बेटर होगा तो R dash लिखी दियो ओके तेरे CO O R dash दिस इज अन ईस्टर तो हमें कोई जब मिले फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर तो वर्तन ने एग्जांपल लवा एसिटिक एसिड नली एथिल नली इथाइल अल्कोहल त एसिटिक एसिड रु कोन जीव बिले ओएच गला इथाइल अल्कोहल रु कोन जीव एच जीव कोन हे गला ना H2O कोन हे गला H2O रहिला कोन देखो CH3 CO O C2H5 दिस इज नोन एज इथाइल एसीटेट इथाइल एसीटेट This is also a ester. So formation of ester is normally known as esterification reaction. Clear? Another asiva esterification reaction the reversible process that is saponification reaction. देखा ये esterification reaction कौन बारतिला? Ester बारतिला, water बारतिला. Saponification reaction ले कौन? Ester को हमें जो water से तो reaction करीबा that means hydrolysis करीबा ताहले इतने कौन भारी बो ना carboxylic acid या वो alcohol भारी बो okay ताहले देखो भी लेडी कौन लगती मु ester ने जी देखो when an ester undergoes hydrolysis then it produces an alcohol and carboxylic acid this reaction is known as saponification reaction क्लियर तले वर्तमान देखियो देखो कोन बिले ईस्टर रे आछि हाइड्रोलिसिस करिबा हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर वाटर तले कोन हो देखो बिले त नाइट्री फॉर्मेशन हो आर सी ओ एच प्लस आर डैश ओ एच आर डैश ओ आर ओ एच इज एन अल्कोहल आर सी ओ एच इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर ओके ताले वर्तमान देखिए ब्लेड ने जो इथाइल एसिड ने जी तक वाटर दो जो हाइड्रोलिसिस करे कौन आसी वो देखो ना सिला CH3COH प्लस C2H5OH दिस इज इथाइल अल्कोहल दिस इज इथाइल अल्कोहल दिस इज एसिटिक एसिड क्लियर ताले वर्तमान ये कौन बाहरला उडे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहरला उडे अल्कोहल बाहरला एठी आतिला कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल नेइथली कोण ईस्टर आ वाटर ताले हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन तार रिवर्स टा कोण कार्बोक्सिलिक एसिड आ अल्कोहल रिएक्शन गले कोण देबे ईस्टर पिस्टर देबे त ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहबा ताले हमें नॉर्मली कहले कोण ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन रो रिएक्टेंट किए कार्बोक्सिलिक एसिड आ अल्कोहल प्रोडक्ट किए ईस्टर आ वाटर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन लो रिएक्टेंट किए ना ईस्टर आ वाटर प्रोडक्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड आउ अल्कोहल ताले वर्तन में नॉर्मली कोई परिवा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन लो रिवर्सिबल होउची एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन लो रिवर्सिबल होउची सैपोनिफिकेशन रिएक्शन तार एस्टरिफिकेशन का कोइबा ना फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ओके नाउ द थर्ड नेमिंग रिएक्शन इज स्किम्ड रिएक्शन ओके स्किम रिएक्शन में कौन चीज व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजिक एसिड दैट इज N3H
हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देन इट प्रोड्यूसेस एन अमीन. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कीम रिएक्शन. ओके सो देखो पिले मोर कार्बोक्सिलिक एसिड नै छी N3H नै छी सल्फ्यूरिक एसिड नै छी H2SO4 रिएक्शन जे करबी कोन होबो ना N3H रु के पळेबो ना N2 पळेबो के पळेला N2 क्लियर. आउ के रहला ना कार्बोक्सिलिक एसिड रु CO पळेला कोन है की CO2 है की आउ रहला कोन एठी रहला R एठी रहला H एठी N2 पळेतला रहितला NH ताले रहला कोन RNH2 दिस इज नोन एज अमीन. क्लियर यदि हम एग्जांपल नबा कोन देखिबा यदि मु एसिटिक एसिड ने भी रिएक्शन करली हाइड्रोजिक एसिड सहित ताने एलिमिनेट की होबो पिले को N2 एलिमिनेट हैला कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हैला रहला के CH3H एठी होला NH ताले कोन लिख परबा हमें CH3NH2 दिस इज नोन एज मिथाइल अमीन. दिस इज नोन एज मिथाइल अमीन. ताने हम स्कीम रिएक्शन का कहबा व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देन इट प्रोड्यूसेस अमीन. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कीम्ड रिएक्शन. क्लियर तापर आसी हम गोडी पिले हुन्स डिकर रिएक्शन. हुन्स डिकर रिएक्शन से कोन कहउची ना गोडे नबा हम कोन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नबा ताको ब्रोमीन सहित रिएक्शन करबा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन इट प्रोड्यूसेस एन अल्काइल ब्रोमाइड. देखो बिले केमि देउची ना देखो RCOAG अछि एथि Br2 अछि सेठु हला सिल्वर Br2 हला Br तर कोन हे पड़ेला बिले को ना HBr हे कि पड़ेला आउ के वाला आउ जीव देखो बिले सेई COOटा CO2 हे कि पड़ेला रहिला कोन ना Br2 रु Br एठी R ताले कोन हे गला देखो बिने R Br हम त नेडा कोन कह परबा अल्काइल ब्रोमाइड. क्लियर त हम एग्जांपल नबा कोन हो बिले को या सिल्वर एसिटेट नेली या HBr Br HBr हे कि पळेला HBr आ कोन कार्बन डाइऑक्साइड रहिला किए CH3Br ना तर कोन ना मिथाइल ब्रोमाइड. क्लियर तर हम हुन्स डिकर रिएक्शन कोन कह परबा व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन इट प्रोड्यूसेस अल्काइल ब्रोमाइड. दिस रिएक्शन इज नोन एज हुन्स डिकर रिएक्शन. ओके नाउ द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज HBZ रिएक्शन और हेल-वोल्हार्ड-जेलेनस्की रिएक्शन. ओके सो देखो पहले जब हम HBZ रिएक्शन देखु छे सेतरे कोन देखिबा हमें व्हेन एसिटिक एसिड वर्तन एसिटिक एसिड नुहो से कहउची जेउ कार्बोक्सिलिक एसिड रे गुटे अल्फा हाइड्रोजन थिबो एसिटिक एसिड रे अल्फा हाइड्रोजन तीनटा अछि. ओके से कहउची जे कोन से हा हाइड्रोजन कंटेन करते कार्बोक्सिलिक एसिड कि नबो ताकु जदि हम रिएक्शन करिया का सहित क्लोरीन सहित रिएक्शन करिबा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ताने कोन हबो ना से कहउची कोन करिवो अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करिवो क्लोरीन क्लोरीनेशन हबो तर इयर एज क्लोरीन रु सीएल कोन पड़ेला एचसीएल पड़ेला ताने रहिला कोन सीएल CH2 को पिले मु एमटी लिखि दउची COOH रहिला. क्लियर तब फर्दर रिएक्शन करबी अगेंस्ट क्लोरीन सहित रिएक्शन करबी कहा प्रेजेंस रे रेड फास्फोरस प्रेजेंस रे करबी कोन हबो ना IRH IRCL एलिमिनेट हे जो HCl है कि कोन रहला देखो बिले ना रहला CL C CL H COOH. क्लियर अगेन हम कोन करिया बिले आउटे Cl2 दे दवा रेड फास्फोरस प्रेजेंस रे रेड फास्फोरस प्रेजेंस रे दे दवा तले कोन हबो HCl एलिमिनेट हे गला HCl रहला कोन ना Cl C Cl Cl COOH. क्लियर या ना कोन ना
टू ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड तलामेड कौन जाने ले एथवीजेड रिएक्शन लो स्पेशियलिटी ना सी अल्फा हाइड्रोजन जतिक टा किबो सेतिक टा एलिमिनेट करो कहा थ्रो रे ना क्लोरीनेशन करी की इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तलामेड नॉर्मली कोई परिवा व्हेन एसेटिक एसिड ऑन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन इट प्रोड्यूसेस 222 ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोलार्ड-जेलेनेस्की रिएक्शन और HVZ रिएक्शन।